टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्तेमाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष और ठाणे परिवहन समिति सदस्य शमीम खान ने सभागृह में जमीन पर बैठकर आंदोलन किया है। शमीम खान सभागृह में व्यवस्थापक श्री ज्ञानेश्वर ढेरे को निलंबित करने की मांग की है। दरअसल शमीम खान ने कई मांगे की थी। मुमरा से भिवंडी चलाए जाने वाले बस को भिवंडी के अप्सरा सिनेमा के पास रोकने और मुमरा कौसा के लिए 5 इलेक्ट्रिक बसों की भी मांग की गई थी। इसके अलावा 38 बस स्टॉप में से सिर्फ 11 बस स्टॉप ही अभी मुमरा कौसा में लगे हैं। इन सभी मांगों को पूरा करने की मांग और व्यवस्थापक को निलंबित करने की मांग करते हुए जमीन पर बैठकर शमीम खान ने आंदोलन किया। हालांकि किसी तरह से शमीम खान के इस आंदोलन को खत्म कराया गया। उसके बाद शमीम खान ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। आज की परिवहन के सभागृह के बाहर तकरीबन 10 से 11 मिनट तक प्रशासन के खिलाफ हमारे बहुत सारे सदस्य साथी मिलकर के हम लोगों ने आंदोलन किया, जिसमें हमारी एक मांगनी थी, ये नारा था उसके अंदर कि व्यवस्थापक को सस्पेंड करो। उसका रीज़न ये है कि आज की मीटिंग में सम्मानीय हमारे चेयरमैन साहब विलास जोशी जी के वहाँ मौजूदगी में जब भी कोई सदस्य व्यवस्थापक साहब से कोई सवाल करता है, कोई विषय रखता है, तो व्यवस्थापक साहब का सम्मान नहीं करते। जब व्यवस्थापक साहब से कोई बात पूछा जाए तो उसका आंसर नहीं करते। और एग्रेसिव होकर के उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा उनसे कि जिस तरीके से तकरीबन 11 महीने के पहले हमें एक लेटर दिया था, वो लेटर में ये लिखा हुआ था कि 38 बस स्टॉप रेती बंदर से लेकर के सिलफाटा तक दिए जाएंगे। तकरीबन 9 से 8 बस स्टॉप शेड लग गए, लेकिन बाकी बचे हुए शेड बस स्टॉप आज तक नहीं लगे। तो हमने उनसे पूछा कि सर ठीक है, पैसे नहीं हैं, टीएमटी के पास, टीएमसी के पास नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वही लेटर, सेम लेटर हमारे सदस्य साथी बालाजी काकड़े साहब के नाम पे आपने क्यों निकाल दिया। मेरा ऑब्जेक्शन ये नहीं कि काकड़े साहब का नाम जो मैं ले रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्शन ये है, मेरा कहना ये है कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि एक लेटर हमने अगर एडवोकेट साहब के नाम पे निकाल दिया तो वो लेटर दूसरा कैसा निकालेंगे हम शमीम खान के नाम पे। बार बार मुझे प्रेशराइज किया जाता है लेटर के जरिए कि हमने मुमरा में जो शेड बस स्टॉप लगाए हैं, इतना खूबसूरत बनाया है शेड बस स्टॉप, वहाँ पे हमने एलईडी लगा दिया है, हमारे पैसे से लगाया है, हमारी कंपनी नाइस वर्ल्ड जिसका मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, उस कंपनी के अम्बासडर, ब्रांड अम्बासडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब हैं, मैंने उनका फोटो लगा दिया उसके अंदर एक जगह पे, क्योंकि वो हमारे ब्रांड अम्बेसडर हमारे कंपनी के हैं, उसको लेकर के हमें प्रेशराइज किया जाता है। हमने इनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा हम आपके सवाल का आंसर नहीं देंगे, हम जवाब देंगे चेयरमैन साहब की बातों का, हम इनको जवाब दे देंगे। ये गलत है, ये अपमान है हमारे तमाम सदस्य साथियों का। लेकिन हम लोग जब सभागृह के बाहर बैठे तो उसके बाद हमारे सम्मानीय चेयरमैन साहब आए।